दोस्तों, अगर किसी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में एक्सेस करने के समय इस तरह द फाइल और डायरेक्ट इज कोरप्टेड एंड अनरीडेबल मैसेज आ रहा है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। सर्च ऑप्शन में जाकर टाइप करता हूँ CMD। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट को मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। यहाँ पे मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद यहाँ पे कुछ कमांड आपको टाइप करना है। दोस्तों, इसका सारे कमांड का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके इस कमांड को आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के ऊपर कॉपी करके भी कमांड को आपका पीसी के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ कमांड पहले ट्राई किया था, लेकिन वो दोस्तों यहाँ पे कुछ कमांड टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CHKDSK और सभी स्मॉल लेटर में, उसके बाद स्पेस, उसके बाद /F, उसके बाद स्पेस के बाद आपका ड्राइव का लेटर को टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा ड्राइव लेटर है F, उसके बाद सेमी कोलोन और एंटर की को प्रेस करता हूँ। एंटर की को प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ देर प्रोसेस होगा इस तरह, और सारे फाइल जो आपका मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में अनरीडेबल था वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं इस विंडो को करता हूँ क्लोज, या मिनिमाइज भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिनिमाइज करता हूँ और देखता हूँ मेरा जो पेन ड्राइव पहले अनरीडेबल था, मतलब वहाँ पे जो एरर मैसेज दिखाई दे रहा था लोकेशन इज नॉट अवेलेबल, उस वो यहाँ पे काम कर रहा है नहीं। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज। उसके बाद पेन ड्राइव को ओपन करता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, मतलब मेरा जो पेन ड्राइव था यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेस हो रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस तरह आपका पेन ड्राइव या मेमोरी अगर अनरीडेबल है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।